आज मैं आपको सेक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आमतौर पे आप लोगों को किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है और पेरेंट्स भी बताने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन सेक्स एजुकेशन तो हमेशा हर किसी को होनी ही चाहिए। एक एज के बाद आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर सेक्स क्या है और क्या सही गाइडेंस होनी चाहिए। सेक्स से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता और वो गलती अगर आप कर लेते हो तो कम उम्र में ही माँ बन जाते हो। तो ये वाली वीडियो लड़के लड़की दोनों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो मेक श्योर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर लड़का हर लड़की सेक्स से जुड़ी इन सारी बातों को जान पाए। मैं हूं रेखा, आप देख रहे हो बी नेचुरल, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एडल्ट हैं तो आपने कॉन्डम के बारे में तो सुना ही होगा, उसको यूज करने का तरीका भी आपको पता होगा। कई लड़कियां और लड़के कॉन्डम ये सोचकर यूज करते हैं कि 100% आपको प्रोटेक्शन दे देता है। अगर मैं आपसे साइंटिफिक टर्म में बात करूं तो ये 100% सेफ नहीं होता है। मेनली दो तरीकों की वजह से कॉन्डम फेल हो जाता है आपको 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। पहला, जब भी आप कॉन्डम खोलते हो अगर आप जल्दबाजी में खोल दें उसको, नाखून लग जाए आपका उसमें या दांत से आप फाड़ रहे हो आपके नुकीले दांत लग जाए उसके ऊपर जरा सा भी कट आ जाए जो आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आएगा लेकिन कट तो लग चुका है और जल्दबाजी में आपने वो यूज कर लिया और आपके पता चले बिना सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसे केसेस में आप ध्यान से उसको खोला कीजिए। और दूसरी सिचुएशन तब आती है जब इंटरकोर्स करते करते आपको पता भी नहीं चलता है और वो कभी कभी फट जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप 2-3-4 एक साथ भी यूज करोगे तो वो फटेगा नहीं, फटने के चांसेस तो उसके हो ही जाते हैं, वो कभी भी फट सकता है। तो अगर वो फट जाए तो भी आप 100% सेफ नहीं होते हो। इसीलिए ऑल ओवर अगर बात की जाए तो कम से कम 14% माना जाता है कि कॉन्डम सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि बिना कॉन्डम के कभी भी आप इंटरकोर्स ना करें जब तक आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो बेशक इसको यूज ना करें। तो भी सेक्स करने के लिए हमेशा कॉन्डम यूज करें। आप सेक्स तो कर लेते हो लेकिन आपने कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है किसी भी रीजन की वजह से और आप कंसीव नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना स्टार्ट कर देती है। मार्केट में बहुत सी आती है जैसे कि मालाडी होगी, लेकिन ये लेने से पहले आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, आपको नहीं पता आपकी बॉडी को क्या सूट करेगा। तो प्लीज गायनी को विजिट करें और वो जो आपको रेकमेंड करे वही आप लें। साथ ही साथ कुछ अनमैरिड लड़कियां होती है जो शादी के पहले सेक्स कर लेती हैं और अब वो कंसीव करने का उनको डर होता है कहीं वो कंसीव ना कर ले, तो वो आईपीएल जैसी दवाइयां लेना स्टार्ट कर देती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप साल में एक बार लो दो बार लो इट्स ओके, बट उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो जो डॉक्टर आपको दवाइयां देती है उसकी जगह। और अगर आपने इसको आईपीएल को रेगुलरली लेना स्टार्ट कर दिया तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और आगे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है अगर आप आईपीएल डेली डोज में लेना स्टार्ट कर देते हो आफ्टर सेक्स। सो उसको बिग नो, वो आपको नहीं लेना है। आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना है वो भी डॉक्टर की गाइडेंस पे। लिटरली मुझे ऐसे मेल्स आते हैं जहाँ पे लड़कियों के मन में सेक्स से रिलेटेड इतने सारे क्वेरीज होते हैं क्योंकि बेसिक सी चीज है लेकिन कोई बताने वाला है नहीं, गाइड करने वाला है, बिना गाइडेंस के आपको समझ में नहीं आएगा। कई लड़कियों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर आप ओरल सेक्स करते हो तो क्या सीमन का माउथ के थ्रू आपके बॉडी में जाने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, कंसीव कर लोगे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जब तक सीमन वजाइना के अंदर आपके एग से जा करके नहीं मिलता है आप कंसीव नहीं करते हो। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोग सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो वो कॉन्डम यूज ना करना ही प्रेफर करते हैं, बट ऐसे में वो कंसीव भी नहीं करना चाहते हैं तो वो थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं, सीमन को वो बॉडी के अंदर छोड़ने की बजाय वो बाहर निकाल देते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करने से प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है ऐसा करने से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? इसके बारे में और गहराई में बताने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो बनाई थी, यहाँ क्लिक करके आप चेक कर रहे हैं ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वी नेचुरल को फटाफट से देख लो, आपने वो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। और मैं अपनी हर वीडियो में एक टॉपिक लेके आती हूँ और एक ऑफर डिस्काउंट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अप टू 35% ऑफ चल रहा है गुड वाइब्स के बॉडी लोशंस में। बॉडी लोशंस में बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाती है, मैं यहाँ पे आपको 5 बॉडी लोशंस की वैरायटीज दिखा रही हूँ जैसे कि वनीला, लेवेंडर, एलोवेरा, एलोवेरा विद सनस्क्रीन एंड शिया बटर। ये सारे बॉडी लोशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में गुड वाइब्स में मिल जाते हैं। और जो मैं यहाँ पे एलोवेरा वाला दिखा रही हूँ इसके अंदर SPF 50 भी है,
PA++ UVA है और इन सभी के अंदर कोई पैराबिन नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है। विंटर्स में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई डल डैमेज हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे आप इस तरीके का बॉडी लोशन लगा करके आप अपनी बॉडी को रिपेयर करते हो, डैमेज को हटाते हो, स्किन को एकदम सॉफ्ट सफल स्मूथ बनाते हो। साथ ही साथ जो मैं आपको एलोवेरा वाला दिखा रही हूँ उसके अंदर तो SPF भी है, तो आपको सूरज की हार्मफुल रे से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, प्लस केमिकल रहित है और 35% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है इन सारे बॉडी लोशंस का, आप क्लिक करके अपने लिए इस विंटर्स अच्छा बॉडी लोशन ढूंढ रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है कि पंप पैकेजिंग में आता है, सिर्फ एक पंप करना है, बॉडी पे लगाना है और चुटकियों में आपकी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आपको आएगी और ये पूरा दिन आपकी बॉडी को सॉफ्ट बनाए रखेगा। एक लड़की सेक्स के बाद प्रेग्नेंट तभी होती है जब उसका ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका होता है और जब सीमन वजाइना के अंदर जाके एग्जिट मिल जाता है। इंटरकोर्स के दौरान अगर आपके पार्टनर ने कॉन्डोम नहीं ले रखा होता है और आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं ले रही होती हैं और आपके पार्टनर ने स्पर्म आपके वजाइना के अंदर डालने की बजाय बाहर उसको निकाल दिया है और आपको लगता है स्पर्म तो अंदर गया नहीं है तो आप तो प्रेग्नेंट होंगे नहीं, ये 100% ट्रू नहीं है। इस मेथड से भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो अगर आपका ओवुलेशन हो चुका होगा और इंटरकोर्स के दौरान अगर तरल पदार्थ भी रिलीज होता है और उसके अंदर भी स्पर्म के शुक्राणु होते हैं और वो एक बार आपके अंदर वजाइना में चले जाते हैं तो आप किसी भी वक्त कंसीव कर सकते हो। तो सिर्फ बाहर पूरा का पूरा स्पर्म निकाल देना आपको 100% गारंटी नहीं दे देता है। 90% केसेस में ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर उन तरल पदार्थ के अंदर से शुक्राणु आपके वजाइना के अंदर चला गया, ओवुलेशन हो गया, तो आप कंसीव कर लोगे। तो ये 100% प्रेगनेंसी प्रूफ तरीका नहीं है। अब बात आती है कि कॉन्डम के बिना या कॉन्डम के साथ 100% श्योरिटी तो कहीं आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आप दो और तरीके हैं जो ट्राई कर सकते हैं। एक होता है इंजेक्शंस जो हर 3 महीने बाद आपको लगवाने पड़ते हैं और 3 महीने के लिए आप टेंशन फ्री हो जाती हैं कि आपको मतलब कंसीव नहीं करते हो आप सेक्स के बाद, चाहे स्पर्म अंदर जाए या ना जाए, आप ऑफकोर्स अंदर जाए तो भी आप कंसीव नहीं करते हो। तो इंजेक्शन के लिए अगेन आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपको रिकमेंड करेंगे, वो इसके बारे में बताएंगे। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी की बॉडी को सूट करता है और किसी की बॉडी को सूट नहीं भी करता है, तो वो टोटली आपकी बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। दूसरा तरीका होता है कॉपर टी का। बहुत सारी मैरिड वुमेन कॉपर टी लगाती हैं और एक बार कॉपर टी आपके अंदर लगा दिया जाता है तब आप मां नहीं बन पाते हो कुछ टाइम के लिए, जब तक वो कॉपर टी आपकी बॉडी में रहेगा। अब जब मां बनना चाहते हो तो आप उस कॉपर टी को बाहर भी निकलवा सकते हैं, लेकिन कॉपर टी के भी बेनिफिट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आपकी बॉडी कॉपर टी को एडजस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा सकती है, मतलब 1-2 महीना लग सकता है और उस 1-2 महीने के दौरान आपको इररेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है या आपको दर्द नहीं भी हो सकता है, अगेन आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है ये। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कपल्स की जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो और बच्चा नहीं चाहते हैं, अपनी सेक्स लाइफ को भी एंजॉय करना चाहते हैं, कॉन्डम भी यूज नहीं करना चाहते हैं, इंजेक्शन नहीं लेना है, कॉपर टी नहीं लेना है और प्रेगनेंसी तो उनको अब चाहिए ही नहीं, अब वो मां नहीं बनना चाहते या पिता नहीं बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको एक लास्ट ऑप्शन में देती हूँ कि आप चाहो तो नसबंदी करा सकते हो। नसबंदी लड़कों का भी होता है, नसबंदी लड़कियों का भी होता है। इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आराम से हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं नपुंसक हो जाते हैं नसबंदी कराने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका मिथ है। लेकिन हाँ, नसबंदी कराने के बाद आप मां नहीं बन पाएंगे या पिता नहीं बन पाएंगे, गर्ल बॉय दोनों करा सकते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं अगर आप बच्चा नहीं चाहते हो और अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, कॉन्डम वगैरह यूज नहीं करना चाहते हो तो। लेकिन मैं तो हाईली रेकमेंड करती हूँ कॉन्डम हर किसी को यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे काफी ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप दोनों की हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है। एक आखिरी एडवाइस आप लोगों को देना चाहूंगी, जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स कर रहे होते हो, लव मेकिंग कर रहे होते हो, इसको लव मेकिंग क्यों बोलते हैं, प्यार की शुरुआत हो रही होती है, तो ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, टेक योर ओन टाइम, एक दूसरे को जाने पहचाने, बातें करें, अच्छे दोस्त बने। और जैसे भी बिंदास की वीडियो में आपको बताया फ्रेंड्स ने कि पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने, प्यार तो आप जिंदगी भर एक दूसरे के साथ करते रहोगे, तो पहले दोस्त फिर प्यार और उसके बाद आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करोगे।
गर्ल को भी अच्छा लगेगा, बॉय को भी अच्छा लगेगा। जल्दबाजी किसी चीज के लिए भी ना करें और कभी भी हमेशा एक ही पॉइंट पे जंप ना करें कि यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू मेक इट। नो, यू हैव टू डू लव मेकिंग। तो स्टार्ट विद द लव मेकिंग एंड गिव हर प्लेजर, गिव हिम प्लेजर, एंजॉय योर ईच मोमेंट टुगेदर एंड देन गो विद द सेक्स पार्ट। Sex is just not all about intercourse where penis, vagina, have fun together. No, it's not like that. It is a process where two souls enjoy together. I think sex के बारे में मैंने आपको enough knowledge दे दी है। Girl हो, boy हो, हर किसी के काम आने वाली video है। Sex को एक taboo नहीं बनाते हैं, इसके बारे में खुल के बात करते हैं, क्योंकि इसी की awareness और education की कमी की वजह से हादसे हो रहे हैं। So be proud to be a girl or a boy and enjoy your sex life. मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे ब्लॉग चैनल को आप देख सकते हैं, जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड प्रिंस हम दोनों अपनी हेल्दी मैरिज लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ताकि हमसे शायद आप एंटरटेन होके जाओ या खुद सीख के जाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द पिन कमेंट। बाय।